छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के ग्रामीण इलाकों में राशन दुकान संचालकों की मनमानी से लगातार ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। सभी ग्रामीणों के लिए राशन सरकार संचालकों को उपलब्ध करवाती है, लेकिन राशन हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाता, जिसको लेकर बस्तर जिले के मुंडा गांव पंचायत के पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और राशन दुकान संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे बुद्धूराम कश्यप ने बताया है कि बीते 3 महीने से उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अन्य ठाकुर परिवार को राशन दुकान संचालक की मिली भगत करके राशन उपलब्ध करवा रहा है और उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वे अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहीं गाँव के हितग्राही पद्मनाथ कश्यप ने बताया है कि उनके साथ कई हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें प्रति महीने 50 किलो राशन मिलता है, लेकिन राशन दुकान संचालक गड़बड़ी करते हुए उन्हें प्रति माह केवल 35 किलो ही राशन उपलब्ध करवाता है और अन्य सरकार की ओर से मिलने वाले राशन की हेराफेरी भी करता है। इधर इस मामले पर बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि इससे पहले भी मुंडा गांव पंचायत से राशन गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम को भी जांच के लिए पंचायत में भेजा गया था। एक बार फिर से पीड़ित ग्रामीणों ने उनका राशन किसी और हितग्राही को देने को लेकर शिकायत मिली है, जिस पर जल्द ही जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। मतलब बड़ा माँ का मतलब चावल को दूसरे आदमी खा रहा है, निकाल के। कौन निकाल रहा है? भूतेन ठाकुर। गांव के ही है क्या? गांव के हैं। तो राशन दुकान संचालक उसकी है? नहीं नहीं, कैसा करके निकाल रहा था नहीं पता। राशन दुकान संचालक से मिली भगत है क्या? हो सकता है मिली भगत है। ये मुंडा गांव पंचायत का ये शिकायत है और इसके लिए अभी इसके पूर्व में अभी हमने एक दल को भेजा था वहाँ जांच करने के लिए, तो यही बात आई थी कि वहाँ पर राशन नहीं बट रहा है। जिस दिन जांच दल गया था उस दिन लगभग 85% जो है राशन बटा था, बट ये कुछ स्पेसिफिक लोगों का बता रहे जिनके नाम से राशन कोई और निकाल रहा है, तो ये जाँच का विषय है। इसको और हम विस्तृत जाँच करा के जो भी उचित कार्रवाई होगा वो हम करेंगे।